गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम न्यू लेसन इनहेरिटेंस लेसन नंबर 12, यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 इसका यूज करते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या है, इसको हिंदी में पैतृक गुण कहा जाता है। इनहेरिटेंस यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पहले से बनी हुई क्लास को आधार मानकर एक नई क्लास बनाई जा सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें पहले से बनी हुई क्लास से एक नई बनने वाली क्लास का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर रीयूजेबिलिटी पर आधारित होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से बनी हुई क्लास को आधार मानकर एक नई क्लास को बनाया जा सकता है, जिससे नई क्लास में पहले से बनी हुई क्लास के मेंबर स्वतः ही आ जाते हैं। अर्थात यहाँ पर उसके गुण आ जाते हैं। यह C++ भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर होता है। यहाँ पर रीयूजेबिलिटी ऊप्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें एक बार लिखे गए कोड को अलग अलग उन्हें आवश्यकता के अनुसार क्लासों में यूज किया जा सकता है। वह क्लास जो पहले से मौजूद है तथा जिसको इनहेरिट किया जाना है, उसे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास कहा जाता है, तथा वह क्लास जिसमें पहले से बनी हुई क्लास के गुण या लक्षण आ जाते हैं, उस क्लास को ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, सब क्लास कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेस क्लास के गुण आ जाते हैं या पेरेंट्स क्लास के गुण आ जाते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस प्रक्रिया में क्या होता है, उसकी पैतृक क्लास जो मैन क्लास होती है, मुख्य क्लास होती है, और जो नई क्लास होती है, चाइल्ड क्लास, उस क्लास के अंदर उसके गुण आ जाते हैं। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि ड्राइव क्लास को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ड्राइव मीन चाइल्ड क्लास। यहाँ पर ड्राइव क्लास को 3 विजिबिलिटी मोड में दर्शाया गया है। 3 विजिबिलिटी मोड क्या होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। यहाँ पर हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस में कि प्राइवेट जो इनविजिबिलिटी मोड है, यह स्वतः ही इसको इनहेरिट किया जाता है। अर्थात हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस को 3 विजिबिलिटी मोड में दर्शाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है प्राइवेट मोड। ये क्या बताता है, यह मोड यह बताता है जब पेरेंट्स क्लास को प्राइवेट मोड में इनहेरिट किया जाता है, तो यहाँ पर पेरेंट क्लास के पब्लिक तथा प्रोटेक्टेड मेंबर, जो पेरेंट्स क्लास के पब्लिक तथा प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं, वह चाइल्ड क्लास के पब्लिक तथा प्रोटेक्टेड मेंबर जो चाइल्ड क्लास के हैं, वे दोनों ही प्राइवेट मेंबर हो जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर को, अर्थात यहाँ हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर को कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता। इसे दर्शाने के लिए यहाँ पर हम इसको निम्न सिंटैक्स के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए, प्राइवेट मोड को इस तरीके से बताया गया है, क्लास पेरेंट क्लास में खाली ब्रैकेट ओपन खाली ब्रैकेट क्लोज कॉमा, क्लास चाइल्ड क्लास में कॉलन प्राइवेट मोड रहेगा, प्राइवेट रहेगा, क्योंकि हम प्राइवेट मोड की बात कर रहे हैं। क्लास पेरेंट क्लास में खाली ब्रैकेट ओपन खाली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हम प्राइवेट मोड को विजिबिलिटी मोड के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर यदि इसको ड्राइव क्लास को सिंटैक्स के द्वारा इस तरीके से भी दर्शाया जा सकता है, क्लास ड्राइव क्लास नेम कॉलन
विजिबिलिटी कोड, यहाँ पर विजिबिलिटी कोड प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कोई भी हो सकता है, बेस क्लास में कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ इसके बाद मेंबर ऑफ ड्राइवर क्लास कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हमने ये बताया था आपको प्राइवेट, यहाँ पर विजिबिलिटी, यहाँ पर विजिबिलिटी जो मोड होता है वो डिफॉल्ट के रूप में प्राइवेट होता है, इसे स्वतः ही यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस प्रक्रिया में बेस क्लास जो मुख्य क्लास होती है उसके गुण उसकी नई बनने वाली क्लास के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सेकंड है इसका विजिबिलिटी को पब्लिक, यह पब्लिक, इसके अंदर यह बताया जाता है कि जब भी हम किसी पेरेंट्स क्लास को पब्लिक मोड में दर्शाते हैं तो यहाँ पर इसके पब्लिक तथा प्रोटेक्टेड मेंबर चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर हो जाते हैं। यहाँ पर जब भी हम इसको सिंटैक्स के द्वारा दर्शाते हैं तो सिंटैक्स में केवल इसका माइनर चेंजमेंट है, क्लास पेरेंट क्लास में कर्ली ब्रैकेट ओपन कर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कॉमा क्लास चाइल्ड क्लास है प्राइवेट, यहाँ प्राइवेट की जगह क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा।